देखें जावेद साहब, किस्सा कुछ यूं है कि हमने तो अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एएसपी साहब खुद इस केस की निगरानी कर रहे हैं। ज़हरा बेगम हमारी पार्टी की बड़ी सरगर्म कारकुन थी। रात उन्हें एक दावत में आना था। 9 बजे के करीब उन्होंने बताया कि बस थोड़ी देर में निकलने वाली। वैसे मुखालिफ पार्टी की तरफ से उन्हें थ्रेट थे। मुझे यकीन है कि ये उन्हीं का काम है। अंदर की बात है जावेद साहब, ज़हरा बेगम के अकलौते बेटे शौकत अली ने शक के दायरे में आपको रखा है। अगर ऐसी कोई गड़बड़ है तो आप अभी बता दें, बाद में आपका नादिर हुसैन से गिला बदता नहीं है। ये जो एएसपी है ना, यंग है, मतलब जवान खून है, गर्म खून, ऊपर से कुंवारा है, ख्वाहिशात भी कम है, बाहर का पड़ा हुआ है, ताहिर अहमद का बेटा है, ईमानदारी उसके खून में है, बाकी आप खुद हिसाब लगा लें। अकॉर्डिंग टू वड्डा साहब, सलूट अपने ठीक कर लोगे तो नौकरी पर रहोगे, नहीं तो डिसमिस हो जाओगे। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है कि मैं 1, 2, 3 कहूंगा, तो तुमने जब मैं 3 कहूं तो एट ए टाइम टांग और बाजू उठा के छिड़प, ये करना है। 1, 2, 3 मैंने 3 कहा है। आपने दिल में 3 बोला है ना? तो मैंने अपने दिल में बोला ना, तुम्हें तो नहीं कहा। मैं फिर से कहने लगा, 1, 2, 3 वो सद के जाऊं, वो मैं कुर्बान अपने बिचुंगड़ों के। वे तुमने तो सलूट में बड़ी इम्प्रूवमेंट कर लिया है। ऐसी अगर हमने इम्प्रूवमेंट कर ली है तो सही, फिर हमारी जान छोड़ दो ना। सही ठीक है, जाके अध घंटे के लिए बाहर तो पे रेस्ट करो। ठीक है।